आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा कई एक शोज़ में पार्टिसिपेट और फिर बहुत सारे तमगे जीतने वाली उस अदाकारा को हम आपके बीच पेश कर रहे हैं जिनका नाम है अकसा ख़ा अक्सा ख़ाँ आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की और फिर किस तरह आपने फिल्मों में दाखिला लिया उस बारे में बताया तो एक सवाल मैं यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि आपने ऐसे टाइम पर फिल्मों में दाखिला लिया जो कोई भी इंडस्ट्री उतना ज्यादा फल फूल नहीं रही है ऐसे में एज एन आर्टिस्ट आप किस तरह इस इंडस्ट्री को देखती हैं बताएं आपने बिल्कुल सही कहा सर कि एक लॉकडाउन की वजह से बहुत लंबा गैप आ गया था तो लोग यही सोचते हैं सोचते थे भी कि अरे चलो ठीक है वो घर में ही बैठ के अपनी फैमिली के साथ देख लेंगे क्यों थिएटर्स जाए करके आ, बट सर आई थिंक के थिएटर्स अब फिर से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है और सर अलहमदिल्ला मैं इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि अगर हम मूवी का कंटेंट अच्छा हो जो एक्टर्स अपनी एक्टिंग करते हैं उसके अंदर अच्छा हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई सब के सब जो हैं थिएटर्स में ज़रूर जाएंगे देखने के लिए क्योंकि सर मेहनत बहुत होती है सर सिर्फ हम मूवी देख के आ जाते हैं ढाई घंटे की या कुछ भी कह देते हैं उस मूवी के बारे में बट जो उसके पीछे मेहनत होती है वो आर्टिस्ट को मालूम है जो टेक्नीशियंस हैं उनको मालूम है तो आई थिंक इस इस बात को अब लोगों ने समझना शुरू भी कर दिया और लोग थिएटर्स फुल हैं अलहमदुल्ला कहीं पर भी आप देखें टॉलीवुड इंडस्ट्री तो बहुत टॉप पे है आजकल टॉलीवुड की मूवीज़ जो है तो हर जगह पे रंग जमाए हुए हैं अपना तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ मैंने उस दौर में एक मुश्किल दौर में एंट्री की थी मैंने बट एक कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री की थी कि ये दौर मतलब ये जो वक्त है कुछ पल का है

उस टाइप के बैनर को ही लोग पसंद करते हैं जबकि दूसरी बहुत सारी फिल्में आती हैं और चली जाती हैं जी। ऐसा क्यों हालांकि इसमें भी मेहनत होती है और ये मूवी बनाने में भी मेहनत होती है जी जी, जी। आ, सर ऐसा क्यों तो अब मुझे ऐसा लगता है सर कि दौर बदल गया है लोग बदल गए तो मैं आजकल ये देख रही हूँ कि जो छोटी छोटी मूवीज हैं वो आजकल हंड्रेड हंड्रेड करोड़ के बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे नॉन जो हीरोज उनकी मूवीज जो है हिट नहीं हो पाती तो सर लाइफ में सब कुछ होता है हाँ, जिंदगी में जो है हर चीज होती है तो मैंने आजकल यही देख रही हूँ कि जो छोटी छोटी मूवीज है वो बहुत ज्यादा हिट हो रही हैं और डेफिनेटली सर देखिए हर वक्त एक जैसा नहीं रहता हर वक्त जरूरी नहीं है कि एक टॉप जिसमें और सारे नोन पर्सन काम कर रहे हैं उन्हीं की मूवी हिट हो और हर वक्त ऐसा भी नहीं है कि जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी फिल्म हिट ही ना हो हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन तो तो लोग लोग थिएटर की की तरफ जो जाते हैं हैं कोई भी बड़ा स्टार मूवी आए तो तब लोग जुड़ते हैं। नहीं सर अब मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अब यही देख रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो आजकल मतलब जिसमें सारे के सारे नए लोग है। लेकिन हैं लेकिन उनके कंटेंट पे इतना दम है उनके की लोग देखने जा रहे हैं उसे थिएटर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको बता सकती अच्छा। हूँ बहुत अच्छी जी बात हाँ। क्योंकि इसका बजट भी कम होता है और ये कमाई ज्यादा करती है जिसमें कंटेंट जानदार हो वही आप कहना चाह रही हैं जी हाँ सर। तो सही बात है चलिए हाँ हम तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे शुक्रिया ल... सर कि, और सर मैं तो यही जानती हूँ कि मेहनत करते रहिए सर और अल्लाह पे यकीन रखिए डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा ये अगर हम पहले से ही थिंकिंग बना लें कि अरे हमारी छोटी मूवी है उनकी बड़ी मूवी है ऐसा नहीं होता सर फिर अगर आप हर चीज जो है ना सर इस पर डिपेंड करती है हमारे माइंड सेट पे हमारी सोच पे अगर हम सोचेंगे कि यार हमारे पास छोटी मूवी है च... लेकिन हमारे पास कंटेंट है तो वो मूवी डेफिनेटली हंड्रेड करोड़ कमाएगी वो डेफिनेटली सुपर हिट होगी तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सर जो बहुत टॉप हीरो हो जाता है सर इसलिए क्योंकि कुछ कंटेंट की कमी लोगों को नहीं पसंद आई आप कह नहीं सकते लोगों को क्या चीज पसंद आ जाए आप अपनी तरफ से मेहनत करो आप अपनी तरफ से बेस्ट दो वो हिट हो रही हैं फ्लॉप हो रही हैं ये साइड में रख दे कभी भी तो मैं एज एन आर्टिस्ट यही सोचती हूं कि विदाउट एनी बैकग्राउंड मैं यहाँ पे आई हूँ सर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरे कोई फैमिली मेंबर वाले इंडस्ट्री में काम नहीं करते ना कोई उनका ताल्लुक है और दूसरी बात यह सर <laughs> कि मैं एक दूसरी स्टेट से हूं

कि आपको ये डर लगा सा रहता है कि भाई एक मरतबा टैग लग जाए कोई भी आप एज ए हीरोइन काम कर रही हैं तो भाई एक फिल्म जैसा एक मूवी थोड़ा सा भी अगर चल नहीं पाती तो दूसरी मूवी तक आपको ठहरे रहना फिर अपने आप को वो लेवल तक लेके जाना एक डर सा महसूस होता है सर अलमदुल्ला मुझे कभी डर का एहसास नहीं होता क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अदर एक्टिविटीज में भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ कि मैं कभी डर नहीं सकती और कभी मैं आ, क्या कहते हैं सर कि हम वो नहीं हाँ कभी कभी हमें खौफ लगता है कि अब क्या होगा आगे कर पाएंगे या नहीं हम कुछ आगे कर भी पाएंगे या हमारा कुछ होगा जिंदगी में ऐसे ऐसे आते हैं सर डेफिनेटली आते हैं ऐसे तो सर मेरा ये है कि एक ही जगह पे मैं नहीं हूँ मतलब कि मैं अभी अपनी मेहनत कर रही हूँ मैं अपना काम जारी रखे हुए होंगी लेकिन साथ में अदर एक्टिविटीज भी कर रही हूँ तो अगर एक्टर नहीं तो कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर सही नहीं तो, तो कराटे आर्टिस्ट सही कराटे आर्टिस्ट नहीं तो डायरेक्टर सही डायरेक्टर नहीं तो एडिटर सही एडिटर नहीं तो जिम्नास्टिक वाला तो मतलब नहीं तो राइटर कुछ भी अलहमद मतलब तो मुझे कभी डर नहीं रहता आप कोई चीज जो छुटा है आपसे वो थोड़ा सा बता दें बचा हुआ है। आ, सिर्फ अक्सा खान को गाना नहीं आता हम ये सर, लेती मैं है। गाती दुन में अच्छा गाती हूँ बट थोड़ा सा इतना नहीं, एक काम करिए इस शो के जरिए अपनी आवाज का जादू बिखेरने की कोशिश कीजिए हमारी ऑडियंस बताएगी कि अक्सा खां गा सकती हैं या नहीं यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है <laughs> यू डर नहीं लग रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है अभी तो रहने दीजिए अभी अपन अपना इंटरव्यू जारी रखते हैं जो हम अपना शो खत्म करेंगे जो एंडिंग होगी होगी वो मेरे गाने से अरे क्या <laughs> बात है चलिए आपने मान लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अक्सर अभी हम जो देखते हैं सोशल मीडिया इन दिनों काफी एक्टिव दिखा देता जी और जिस तरह आप बताती हैं कि भाई अगर आपको एक्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाई या फिर आप डांस में सक्सेसफुल हो नहीं पाई या फिर कराटे में सारी चीज़ें तो आपके लिए सोशल मीडिया के दरवाज़े हमेशा ही खुले हैं क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बैकबोन बना हुआ है हाँ तो उस लिहाज से भी आपके माशाल्लाह से ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं और आपका जो इंस्टाग्राम पेज है काफ़ी दौड़ता है जो हमने है। देखा है अलहमदिल्ला तो एक बात यह है कि सोशल मीडिया को हम किस तरह गुड वे में इस्तेमाल कर सकते हैं उस बारे में हमारे नाजर को बताएँ देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया आजकल अगर हम देखें और उसे पॉजिटिव वे में लें तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने टैलेंट के बारे में लोगों को बता सकते हैं फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे सिंगर हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहें अपनी ओन वॉइस में आप सिंगिंग कर सकते हैं कुछ गाने गा सकते हैं आई थिंक सोशल मीडिया को अगर हम प्रॉपरली वे में यूज़ uh, करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो जो आप आपके अंदर टैलेंट है जैसे अगर आप कुछ अच्छी शायरियां लिखते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी शायरियों को पोस्ट करें लोगों को उसके अंदर टैग करें जो शायरी से रिलेटेड है तो आई आई थिंक ऐसे सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड थिंग जितना हो सके आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें एक्टिव रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक एक्टिव रहना बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहें अपने फैंस के लिए तो ऐसे आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती रहेगी और लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करें अपने कंटेंट से जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आप राइटर हैं तो कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों के लिए कहें जिससे वो मोटिवेट हों uh, सर बहुत से ऐसा होता है जैसे यूथ वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर सफर होते हैं सर हाँ। कि क्या आगे क्या होगा जैसे मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरा आगे करियर में मैं क्या करूँगा कुछ 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 ऐसी होती हैं बातें। तो तो अगर motivation speaker भी अगर भी आप तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे so करें जिससे लोगों कुछ सीखने को मिले, वो inspired हो। या फिर ऐसे भी content create करें जिनसे वो मुस्कुराएं। जैसे कॉमेडी कॉमेडी हम क्रिएट कर सकते हैं आजकल कॉमेडी का तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है फॉर uh, एग्जाम्पल हम कितना ज्यादा खुश होते हैं कपिल शर्मा जी के शोज देख के कपिल शर्मा शो कितना शानदार शो है तो लोगों को हंसाएं, उन्हें मोटिवेट करें, so I think it's a very good thing, सोशल को अगर अच्छे वे में आप तो यूज करें तो अच्छा अक्सर सोशल मीडिया का हम जिक्र कर रहे हैं तो सोशल मीडिया काफी फायदेमंद तो साबित हुआ है लेकिन हमें लगता है कि इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया का आना कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुआ है आप क्या मानते हैं नुकसान दे साबित हुआ तो आप किस उस वे से कह रहे हैं समझ आप देखिए जैसे लॉकडाउन हुआ तो लोग घर पर बैठ कर सोशल मीडिया के जरिए फिल्में देख रहे हैं या फिर ड्रामे देख रहे हैं बहुत सारे जो भी कंटेंट इनको पसंद आता है वो देख रहे हैं तो जिस तरह लोगों का रुझान कम होता गया थिएटर की तरफ जाना फिर मूवी देखना तो इससे तो नुकसान हुआ ना एक तरह से जी, जी, तो उसकी वजह से भी शायद मैं समझता हूँ सिंगल स्क्रीन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया है तो इसका जो सारा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को ही आप दे पाएंगी या फिर क्या उस तरह की फिल्में नहीं बन पा रही हैं कि लोग थिएटर तक नहीं आ रहे हैं मैं इतना ही कि आई थिंक सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है मतलब हम इस इंडस्ट्री से तो इतना नहीं कर सकते बट कुछ गलत तो हम उसके उससे नहीं कह सकते क्योंकि सोशल मीडिया वाकई में बहुत से लोगों को ज़िंदगी दे रहा है आजकल सोशल मीडिया से बहुत से इन्फ्लुंसर्स बन गए हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं और उनकी ज़िंदगी सोशल मीडिया से चलती है सो आई थिंक वो एक अलग चीज़ है सर और इंडस्ट्री पीपल की जो लाइफ है वो मूवीज़ की वो एक अलग चीज़ है बट ऐसा तो नहीं कहूँगी कि जैसे मूवीज़ वो उतनी लेवल की नहीं आ पा रही हैं या ये नहीं कि uh, बिकॉज सब कुछ चलता है सर जिंदगी के अंदर बट no, कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं पड़ा है क्योंकि आई थिंक मैं, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आज जो इंडस्ट्री है जितने भी स्टार्स हैं उन्हीं के नाम अब जो नया आएगा वो कितने मूवीज करेगा डिपेंड करता है कि मूवीज बहुत कम बन रही है जी जी अगर आप मुसलसिल काम करते रहे तो ही आप शाहरुख खान बन सकते हैं जी अगर आपको मुसलसिल काम मिलता रहेगा तब आप सलमान खान बन सकते हैं उनका एक नाम होता है लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद आप देखिए सीजन वाइज काम मिलता है सीरियल्स थे अब देखिए जितने सीरियल्स टीवी के आए वो लगातार टेलीकास्ट होते रहे उनका पार्ट वन पार्ट टू से कोई ताल्लुक नहीं था बल्कि सीरीज वाइज बनते थे अभी सीजन वाइज बन गए फर्स्ट सीजन में एक हीरो होता है सेकेंड सीजन में दूसरा जी

जो हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं अगर उसके अंदर वर्सटैलिटी हो तो डेफिनेटली हमें और लॉन्ग वे के लिए एक्सेप्ट किया जाए जिस तरीके के हम जिस तरह के हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं सर अगर फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट जो है वो एक ही टाइप के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा तो आप कहती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंटर डिफरेंट हाँ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आप निभाएं तो ऑडियंस आपको और देखना ज्यादा पसंद करेगी कि आपके अंदर और क्या क्या चीजें हैं सोशल मीडिया का भी यही है फॉर एग्जाम्पल एज ए डांसर में बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ अगर मैं सिर्फ क्लासिकल वीडियोज ही डाल रही हूँ तो एक ना एक दिन डेफिनेटली ऑडियंस मुझसे कहेगी कि बस यार हो गया कब तक डालोगे ऐसा डेफिनेटली कहेगी सो आई थिंक जो भी मतलब एक्टर्स न्यू आ रहे हैं जो उनका चॉइसेस है जिस तरीके के स्क्रिप्ट्स ले रहे हैं वो बहुत मायने रखता है सर अगर वो एक अच्छी स्क्रिप्ट चुन रहे हैं जिसके अंदर उनके चैलेंजिंग कैरेक्टर्स हैं चैलेंजिंग मतलब कुछ ऐ, ऐसा है जिससे उन्हें फिर से एक नई uh, नाम मिल सकता है एक उनकी एक क्या बोलते हैं कि uh, उनकी एक नई छवि uh, मिल सकती है सो आई थिंक ऐसे आप जो है सर्वाइव कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर सो डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट्स लेकिन अक्सर मुसलसिल काम मिलना इतना आसान नहीं होता हाँ ट्रू सर तो उस लिहाज से भी आप एक देखिए कोई भी आप आ, चाहे आ, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आपको काम मिलता है एक प्लेटफॉर्म पे मिल गया फिर उसके बाद आपको वो सीरीज से हटा दिया जाता है फिर कोई नए हीरो हीरोइन की तलाश फिर नया टैलेंट आता है तो ये जो पीछे वाले है उनका नाम कैसे बनेगा क्योंकि देखिए जो सीज़न होता है वो तीन महीने का मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो मुसलसिल काम फिल्मों के ज़रिए होता है उसका एक नाम होता है अभी आ, जो वेब सीरीज आ रही हैं उससे नया नया टैलेंट भी आ रहा है नए नए लोग जुड़ रहे हैं उससे कहीं कही ना कहीं नाम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है आप इसको ज़रूर माने खैर चलिए अलहमदुल्ला आपके पास इतना सारा टैलेंट है आप बेफिक्र हो जाइए सिवाय सिंगिंग के <laughs> अच्छा एक बात है आप इंस्टाग्राम पर आए दिन आ, कुछ कुछ कमर्शियल पोस्ट भी करती रहती हैं तो कमर्शियल जो पोस्ट आप करती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जी। इसका जो शूट करना होता है कितना डिफ़िकल्ट फिर एडिटिंग करती हैं फिर उसमें बहुत सारे मसाले लगाती हैं उस बारे में बताएं क्योंकि ये सेल्फ आपका क्रिएशन होता है जी तो वो उस बारे में बताएं बिल्कुल सर तो आ, मैं एडवर्टाइज भी करती हूँ बहुत से शूट्स करती हूं मैं, आ, और मुझे एडिटिंग का बहुत शौक है मैं आपको पहले ही बता चुकी सर मैं जो भी काम करती हूँ भले ही वो इंस्टाग्राम के लिए हो या फिर अपने यूट्यूब के लिए हो आ, या फिर मूवीज के लिए हो दिल से करती हूँ सर किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती सर अपने दिल और जान उसके अंदर लगा देती हूँ दिन रात हो जाते हैं सर क्योंकि एडिटिंग करना कोई मजाक की बात नहीं से है सही बात एक प्रॉपर वे में आउटपुट हो तभी लोग उसे पसंद करते हैं सर ये बात तो हाँ हा, सर मेहनत तो बहुत होती है आ, क्योंकि जब हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर आ, उसे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे तो लोग ना बोर नहीं उन्हें मजा आना चाहिए देखने में उन्हें लगे कि अरे हाँ यार इतनी जल्दी खत्म हो गए और थोड़ा लंबा होना चाहिए था तो मैं डेफिनेटली हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं कॉन्टेंट क्रिएट कर रही हूँ लोग उससे कनेक्ट हों लोग उसे पसंद करें तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ सर एडिटिंग में भी मैं लैपटॉप पे करती हूँ पूरा टाइम उसी पे स्पेंड हो जाता है सर कम से कम कभी कभी तो रात बहुत ज़्यादा लम हो जाती है या फिर दिन ही पूरा चला जाता है मेरे नाना जी पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ थोड़ी देर रेस्ट ले ले <laughs> नहीं इंटरेस्ट है जो काम करना है दिल से करना है अच्छा आउटपुट देना है ऑडियंस को और दिल को भी फिर तसल सही बात है। तो सर मैं बहुत मेहनत करती हूँ भले ही वो एक छोटा सा आई क्यों ना हो और डेफिनेटली जैसे मैंने रिसेंटली विजय सेल्स का भी किया था स्मार्ट बाजार का भी किया था वो सारी एडिटिंग जो थी वो मेरी थी अच्छा जी हाँ तो जो भी काम करती हूँ सर दिल से करती हूँ डी किसका होता है डीओपी <laughs> तो सर हाँ डीओपी <laughs> <laughs> जो है मेरे नाना जी बचपन से सर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं डांस की जिस किसी कंपटीशन में जाती थी सर डेफिनेटली उनके पास एक सोनी का हैंडी कैमरा होता अच्छा। था हर जगह पे सर उसको लेके ट्रैवल करते थे <laughs> क्योंकि सर ये यादें हैं सर वो वक्त हम वापस नहीं ला सकते सही बात और ये बहुत कम लोग करते सही बात बहुत मैंने तो सर देखा ही नहीं है अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो तो मेरे नाना जी का यही था सर बहुत सपोर्ट रही है सर मैं बहुत खुश नसीब हूँ मैं अल्लाह पाक से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह आपने मुझे इतने प्यारे नाना नानी दिए जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करते हैं मेरे साथ हर जगह पे ट्रैवल करते हैं क्या मेरे शूट्स में आप अभी इंटरव्यू में भी आपने देखा दोनों आए हैं मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे नानी की तो थोड़ी लेग में तो मतलब हाँ। तकलीफ रहती है तो वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करते लेकिन नाना मुझे कहीं पर अकेला नहीं छोड़ते सर वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरी बैक की तरह जैसे की आपने कहा मेरी जिंदगी उनके अंदर है मतलब नहीं नहीं बहुत अच्छी जी और साथ साथ देखिए डीओ का भी काम कर रहा है जी हाँ आपको बहुत हो बहुत है सपोर्टिव से। से। इतने सारे अवार्ड्स की वीडियोस देख लें आप अलमदुल्ला वन थर्टी थ्री ट्रॉफीज और ट्वेंटी टू सिल्वर एंड एट गोल्ड मेडल्स तो सर मेरे घर में ना पूरी आप शायद मैंने आपको छोटा सा ग्लिम्स भी हाँ। दिखाया था जो अवार्ड ये सब मोमेंटो जो सेट किए हैं ना वो मेरे नाना जी ने ही किए हैं मैं, सब कुछ। मैं समझता हूँ दो तीन दीवारें तो आपके अवार्ड से भरी पड़ी होंगी जी हाँ। और फिर कुछ जो है कुछ एक सूटकेस में थोड़े ट्रॉफी होंगे घर जगह में जगह नहीं बच पाई सर तो कुछ तो है स्टिल अभी भोपाल में तो वो भी लाने हैं वो भी लाने हैं जी माशाल्लाह जो भी आएगा सिर्फ आपके अवार्ड्स को देखता रह जाएगा एक्चुअली <laughs> सर वही होता है बिकॉज जब एंटर करते हैं हमारे घर के अंदर तो सबसे पहली नजर जो है उसी पर पड़ती है हाँ, क्या अवार्ड्स है भाई राइट देखो लेफ्ट देखो आगे देखो पीछे देखो पीछे देखो हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बस मेहनत है सर बेशक बेशक पहले तो नाना जी की मेहनत है उसके बाद ही मेरी है सर और सबकी दुआएं हैं सर जो यहाँ तक नहीं नहीं इतने सारे आपने अवार्ड का जिक्र किया कोई खास अवार्ड जो आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार साबित हुआ उस बारे में बताए बिल्कुल सर बताती हूँ सर मैं ये इस डी शो के आने से पहले एक साल पहले मैंने आ, नेशनल लेवल पर किया था इंडियाज डांस मास्टर करके बहुत बड़ा डांस कंपटीशन हुआ तो के के है हाँ। अच्छा जरूर आ जाएगी इससे थैंक यू Uh, पूरा नेशनल लेवल मतलब सभी लोग थे मतलब उसमें मुंबई दिल्ली सब हर जगह के पार्टिसिपेंट्स आए थे ये कहाँ पर हुआ था सर uh, ये हुआ था हमारे भोपाल में इसका okay. फिनाले जो है वो भोपाल में हुआ था ऑडिशन okay. जो है वो ऑल ओवर इंडिया में हुए थे तो सर उसमें मैंने जीता था मतलब उसमें क्या था सर कि टेन से लेके uh, थर्टी तक की एज के थे मतलब सीनियर्स के साथ मैं कॉम्पीट करने वाली थी और आई वॉज थर्टीन ईयर्स ओल्ड मैं तेरह साल की थी तो मुश्किल था सर कॉम्पिटिशन सबके सब माहिर होते हैं सबका अलग अलग टैलेंट होता है सर सबके अलग अलग डांस स्टाइल्स होते हैं तो पहले मुझसे मतलब जो वहाँ पे ऑडिशन के फॉर्म्स भरते हैं सर फॉर्म भरते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे नहीं एक्चुअली मैं नाना जी से कहा कि देखिए कंपटीशन जो है ना वो ज़रा टफ है बच्ची को आप ले जाइए <laughs> आप क्यों है लाइक like, इसकी फीस वीस बना खामो खाम के पैसे वेस्ट हो जाएंगे <laughs> आप चले जाइए इधर से मैं मे, मेरा तुछ, मेरा तो सर ऐसा स्टाइल है कि मैं कहीं पर भी रहती हूँ ना मैं नकाब बांधे रहती हूँ जब तक मेरा काम शुरू नहीं होता मैं नकाब नहीं खोलती हूँ <laughs> तो <laughs> मेरा ऐसे ही आपने देखा हो <laughs> हाँ, तो मुझे नाना जी ने पूछा कि क्या करना है मैंने कुछ जवाब नहीं दिया नाना जी ने बोला चलो फॉर्म भर देते हैं बच्ची है उसको डांस का शौक है ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते इतना बड़ा बंच मिल रहा है उसको तो हमने ऑडिशन दे दिया सर सेमीफाइनल तक पहुंच गई फिर फिनाले तक पहुंच गई सर उस फाइनल्स तक मैं जब पहुंची तो फाइनल uh, का परफॉर्मेंस भी दे दिया फिर विनर का अनाउंसमेंट हुआ तो सर मैं उसमें जीती मैं फर्स्ट आई उसके अंदर और मुझे वन लैख का प्राइज मिला अरे क्या वन लैख <laughs> का मुझे प्राइज मिला और मैं फर्स्ट आई और फिर हम जब वापस निकल रहे तो वो जो सेम बंदे जो वहाँ पे फॉर्म भर रहे थे कहने लगे कि मतलब लग कमाल है

बोली नहीं रही है सिर्फ मैं सुन रहा हूँ <laughs> हमें मौका ही नहीं दे रही है भाई अक्सा मैं कुछ सवाल करूँ क्योंकि इनके पास इतने अल्फाज है तो एक दो शेर वो तो सुना दें थोड़ा बिल्कुल हमारे शो की शोभा बढ़ जाए जी बिल्कुल सर काफी दिनों के बाद वैसे ही शायरी मैं करूंगी क्योंकि ज्यादातर मैंने इंटरव्यूज जो हैं वो तेलुगु लैंग्वेज में दिए थे अपने तेलुगु फैंस के लिए बट डेफिनेटली इस बार करती हूँ शायरी तो सर मैं जब चार साल की थी तो मैंने एक शेर कहा था आंखों से आंसू बह, बह रहे हैं से बह रहे हैं देखना है तुमको ये कह रहे हैं आँखों से आंसू बह रहे हैं देखना है तुमको ये कह रहे हैं हम दुनिया के सितम सह है रहे हैं हम दुनिया के सितम सह है रहे हैं और तुम्हारे ही ख्यालों में बह रहे हैं क्या बात है शुक्रिया क्या बात है तो सर ये मैं जब चार पाँच साल की थी मैंने तब ये शेर कहा था अच्छा। उसके बाद सर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और नाना जी पार्क में बैठे हुए थे और मैं ऐसे ऊपर देख रही थी आसमान में तो नाना जी ने मुझसे कहा कि क्या सोच रही है छोटी थी मैं तब शायद मैं होंगी आठ नौ साल की फिर मैंने नाना जी के सामने शायरी शुरू की मैंने कहा ये खुशगवार मौसम ये खुशगवार मौसम हवा में है नमी नमी से हाँ 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 क्या बात ये खुशगवार मौसम हवा में है नमी नमी, नमी नमी, सी तुम्हारे यहाँ ना होने पर मेरी नानी जी नहीं थी वहाँ तुम्हारे यहाँ ना होने पर लगती है कमी कमी अरे क्या बात है <laughs> तो ये नानी जी की कमी महसूस कर रहे थे तो मैंने <laughs> क्या बात है तो नानी जी तो फौरी दौड़ के आ जाती है अगर ये शेर सुनती <laughs> जी हाँ वो एक्चुअली वो जरा फंक्शन में गई हुई थी मैं अपने फ्लिप्स ये प्रैक्टिस करने के लिए हम जाते थे अच्छा, ओके। तो मैंने साथ में रखते हैं ताकि अगर वो बोर हो जाए तो आप एक शेर सुना देती हैं <laughs> नानी जी को याद करते हैं फिर अपने घर चले जाते लेकिन सर अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मैंने बहुत बोर करवाया मेरे नाना जी को मतलब इतना इंतजार करते हैं सर वो मेरे जब मैं डी में भी प्रैक्टिस करती हाँ। थी तो वो सोते तक नहीं थे सही सही बात सही बात मेरे बगैर खाते तक नहीं थे अरे क्योंकि लड़की मेहनत कर रही तो मैं अकेले कैसे खा लू? सही लड़की दिन रात प्रैक्टिस कर रही है मैं कैसे सो क्या बात तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है सर हमारी नजरे बद से बचा अल्लाह नाना को आपके और आपके साथ आपके काम के साथ जुड़े रहे हम तो ये कहेंगे अच्छा अक्सा खां आपने वैसे तो टॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज की हैं जी। और वैसे हैदराबाद में भी बहुत सारी मूवीज बनती हैं जी जो दखनी जुबान पर मुश्तम होती है तो क्या आपको हैदराबादी मूवी में ऑफर आए तो आप काम करना पसंद करेंगे बिल्कुल सर क्योंकि आ, ऐसा नहीं है कि बस मुझे इन्हीं मूवीज में करना है मैं डेफिनेटली हर लैंग्वेज में और हर अच्छी मूवी में काम करना चाहूंगी जिसमें मेरा लाइक एक्टिंग बेस मेरा जिसमें मेरा परफॉर्मेंस दिखे लोग किरदार अच्छा किरदार अच्छा हो तो मैं डेफिनेटली काम करना चाहूंगी वो चाहे तेलुगु हो तमिल हो हिंदी हो मलयालम हो कोई सी भी मूवी हो सर मैं डेफिनेटली करूँगी अच्छा आपको किस तरह का करेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो आपके करने लायक हो या फिर आप परफॉर्मेंस उस फिल्म में दे सकें सर मुझे एक तो टॉम बॉय कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद अच्छा टॉम बॉय कैरेक्टर मतलब एक उनका एक अलग ही स्वैग होता है और थोड़ा मस्ती खोर टाइप का और सर मुझे एक छबी गर्ल कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है सर मतलब ऐसा कैरेक्टर सर कि जो मतलब जब मैं एक्ट कर रही हूँ तो इंसान को अचानक से लाइक उसे हंसी आ जाए अच्छा। क्य अरे मतलब ऐसे भी लोग होते हैं क्या अच्छा इस टाइप के कैरेक्टर्स मतलब जिससे लोगों को खुशी मिले कि अरे यार मतलब जब हमारी स्क्रीन प्रेजेंस हो तो वो लोग खुश हो कि अरे यार ये अच्छा ही कैरेक्टर

ऐसा नहीं है बस अपना टैलेंट दिखाने दिखा बिल्कुल हाँ वही तो बता रहा हूँ आपके हाथ तो बस बेचैन होंगे कोई मिल जाए <laughs> सर तो बेचैन नहीं नहीं, नहीं, होते हैं, नहीं बट नहीं। हैं। हाँ मैं अजराय मजाक बता रहा था कि भाई आपका जो टैलेंट है वो भी तो है ना तो उस लिहाज से आप उस टाइप की फिल्म करना चाहती है लेकिन आपने इंटरव्यू के दौरान एक चीज बताई कि जो करेक्टर हम प्ले करते हैं वो यादगार होना चाहिए तो क्या आपने जिन जिन करैक्टर का जिक्र किया है जो रोल्स आप कर रही हैं तो वो हिट होंगे है अपने यकीन पर डिपेंड यकीन पर भरोसा करती है जी हाँ सर। और कॉन्फिडेंस लेवल हाँ। आपका बहुत लेवल है सर मैं कुछ चीजों पर बहुत यकीन रखती हूँ सर जैसे सबसे पहले मैं मेहनत पर बहुत यकीन रखती हूँ और इन सब चीज़ों से पहले मैं अपने परवरदिगार पर बहुत यकीन रखती हूँ मैं अल्लाह पाक पर बहुत यकीन रखती हूँ क्योंकि सर इसलिए भी रखती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं हम सब की ज़िंदगी में करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है और कुछ ना कुछ बेहतरी होती है तो मैं अल्लाह पाक पर सबसे पहले यकीन रखती हूँ कि अगर जैसे कुछ ज़िंदगी में तकलीफ आ रही हैं या कुछ अच्छे वक्त आ रहे हैं तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है तो सर सबसे पहले अल्लाह पाक पे फिर मैं मेहनत पे यकीन रखती हूँ अपने और सब्र करती हूँ सब्र का फल क्योंकि हम बचपन से सुनते आने के सब्र का फल मीठा होता है है ना तो मेहनत पे यकीन रखती हूँ और डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस तो है ही और अपने काम पर यकीन रखती हूँ बस सर चलिए बहुत अच्छी बात है बहरहाल आपने काफ़ी वक्त दिया हमारे इस इंटरव्यू के लिए जी। आ, तो चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा जो नए लड़कियाँ जी फिल्मों में दाखिला लेना चाहती हैं या फिर सोशल मीडिया को अपने करियर के तौर पर चुनना चाहती हैं वो लोग वीडियोस बनाना चाहती हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा मेरा यही पैगाम रहेगा कि आ, जैसा कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से लाइक इस यूज़ करेंगे जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स कर सकते हैं आप अपने एक्टिंग वीडियोज़ डाल सकते हैं Uh, माशाल्लाह से आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब कौन नहीं चलाता सर सभी लोग चलाते हैं तो आई थिंक आप यूट्यूब पर भी इंस्टाग्राम पर भी अपने एक्टिंग वीडियोज़ या फिर अगर आप अच्छे डांसर हैं तो डांस की वीडियोज़ भी डालिए कहीं ना कहीं आप ज़रूर क्लिक होंगे सर क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है सर कि बहुत से लोग जो है उसी से मतलब मूवीज तक भी पहुंच रहे हैं क्योंकि उधर टैलेंट दिख रहा है सो आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे चाहे वो फेसबुक ही क्यों ना हो इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो या फिर यूट्यूब ही क्यों ना हो तो डेफिनेटली आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी मेहनत पर यकीन रखें वक्त लगता है लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होना है जिंदगी में इसीलिए वक्त लगता है क्या आई थिंक प्लीज़ अपने आप पर यकीन रखें अपने काबिलियत पर यकीन रखें एक ना एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगी बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपने जो वादा किया था वो वादे को हम पूरा करने सर, जा रहे हैं हमने इंटरव्यू ऐसा किया सर कि मैं तो भूल ही गई कि मुझे गाना भी गाना है <laughs> चले ठीक है सर मैं गाती हूँ अनाड़ी मूवी है सर राज कपूर सर और नूतन जी की पुराना जमाने का गाना है सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल आप जरूर माशाल्लाह बहुत ही फेमस सॉन्ग है वो एक्चुअली और मुझे बहुत पसंद है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है क्या माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं कि मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है बस <laughs> थोड़ा सा नहीं <गाल laughs> नहीं बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त आपने गया छोटी सी कोशिश थी बिल्कुल कोशिश की और शायद आज से ही आप सिंगिंग की तरफ भी रागिब हो जाएंगी <laughs> तो कोई भी जुमराह छोड़ना नहीं चाहती <laughs> अक्सा तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप आई इतना वक्त दिया बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर बहुत खुशी हुई आज मैं यहाँ पर आई सियासत टी वी पर एंड मुझे लगता है कि कुछ खास इंटरव्यूज रहते हैं ना सर उनमें से वन ऑफ द ये भी रहेगा मेरे लिए मुझे भी बहुत भी अच्छा लगा क्योंकि मेरे हिंदी ऑडियंस भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे मेरे एक हिंदी प्लस उर्दू इंटरव्यू का सो आई थिंक उनका जो इंतजार है वो खत्म हुआ क्या जय जी थैंक यू तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाजत दें अल्लाह हाफ़िज़

দড় 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 দড়